हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं छोले और भटूरे एकदम गर्मा गर्म से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भटूरे बनाए हैं और ये एकदम सॉफ्ट और एकदम जालीदार बने हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है छोले, जिसे मैंने रात के भिगो के रख दिया था। ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम कर लेंगे बॉईल। तो बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने छोले को डाल दिया है कुकर में, और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 गिलास पानी। अब डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून नमक और थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा, और इसमें डाला 4 से 5 काली मिर्च और 2 लौंग। अब इसके बाद हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। लगभग 4 सीटियां आने तक हम इसे पकने देंगे। तो चलिए जब तक छोले हमारे बॉईल हो रहे हैं, तो यहाँ पर फटाफट से हम भटूरे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 कप मैदा, और इसमें डालेंगे 1/3 कप रवा, और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून शक्कर और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के बाद डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप दही। दही डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डो बन के रेडी हो गया। इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं जो छोले हैं वो बॉईल हो गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने 4 सीटी आने के बाद इसको बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोले हैं बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। अब यहाँ पर हम फटाफट से छोले की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 4 टेबल स्पून ऑयल। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाला एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और यहाँ मैंने डाला एक छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, और यहाँ पर मैंने डाला है 2 लौंग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें स्लाइस में पतले पतले स्लाइस में कट की हुई प्याज। तो यहाँ मैंने 2 प्याज डाली है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हल्का सा कच्चापन खत्म होने तक पकाएंगे। अब यहाँ पर डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 टमाटर, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। टमाटर को पकने तक हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग, 1 टीस्पून नमक, और आप चाहे तो इसे बहुत ही थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून छोले मसाला। छोले मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून देंगे, और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, और दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो गाइस, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर हमने छोले को बॉईल किया था, उसको डाल देंगे। हमें छोले का पानी बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, उसी पानी के साथ में हम इसको डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसको हम अच्छे से मसाले मिक्स कर देंगे, और इसमें ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच छोले मसाला। छोले मसाला डाल के हम इसको ढक देंगे, और ढक के इसको लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई छोले की, और ऊपर से हमने डाला है थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। तो रेडी है हमारी ढाबा स्टाइल एकदम गर्मा गर्म छोले की सब्जी। चलिए फटाफट से बना लेते हैं भटूरे। तो यहाँ पर भटूरे बनाने के लिए चलिए चेक करते हैं, जो हमारा डो है वो ही बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो अब इसे हम एक बार और अच्छे से सेट कर देते हैं, और बहुत ही अच्छे से सेट करने के बाद फटाफट से भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा, और मैदा डालने के बाद फटाफट से हम भटूरे को बेल लेते हैं। अगर आप इसको किसी भी शेप में बेल सकते हैं, तो फटाफट से हम भटूरे को बनाना स्टार्ट करते हैं।
और यहाँ पर मैंने ऑयल को बहुत ही अच्छे से एकदम गर्म कर लिया था। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें डालने के बाद भटूरे को और हल्का हल्का इसके ऊपर तेल को डालते जाएंगे और डालने के बाद इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से बहुत ही अच्छे से सिक चुका है और ये हमारे फूले फूले से एकदम गर्मा गर्म से जालीदार भटूरे बन के रेडी हो गए। तो चलिए अब इसी तरीके से फटाफट से हम और भटूरे को फ्राई कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से हम हल्का हल्का प्रेस करके और इसके ऊपर ऑयल को डालते जाएंगे। तो गाइस हमारे छोले भटूरे बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट भटूरे बने हैं, एकदम जालीदार बने हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपसे भी बहुत ही अच्छे भटूरे बनेंगे।